जिहड़े करनाल दे एसडीएम दी वीडियो वायरल हुई है जिथे सीधे किसानां दे सर खोड़न दे आदेश दिते जा रहे ने उहदे वल्लों कि लाठियां मार मार के सड़ फोड़िया जाए एक भी ना अगे वध सके। मैं पुछना चाहुंदी हां मोदी सरकार नूं इह आदेश किसानां दे प्रदर्शन तो पहले दिता गया एदा मतलब पूरी तरह सरकार दी प्लानिंग सी कि किसानां नूं मार कुट के उहनां दे सर फोड़ने गोली दे आदेश तो घट सब कुछ करन वास्ते सीधे आदेश जिहड़े इहने ताकतवर तरीके दे नाल जिहड़ा उह एसडीएम दे रहा है कि ए अपने हाई कमांड दे अपूवल तो बिना दे रहे दे सकदा है कोई अफसर ते इस तो वड्डा क्रिमिनल एक्ट की हो सकता है कि जिन्हां नूं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके लोकां दी जानां दी सुरक्षा करनी चाहिए है वो जान लेन वास्ते अपने हवलदारां नूं कह रहा है कि चंगी तरह कुटमार करना ते आज ताई दो दिन निकल गए किसान दी मौत हो गई है ते चुप्पी साधी बैठी है केंद्र दी सरकार। हरियाणा दी सरकार ने तो क्लीन चिट दे दिता कि जे इस तरह पत्थर सिटिया गया सी पत्थर पुथर तो बाद में सिटिया गया जे सिटिया गया। मैं तो पहली गल 10 महीने तो किसान बैठे हुए ने उन्होंने एक भी वायलेंस का एक्ट नहीं किया है। पत्थर सिटने की कुछ सिटना होंदा तो बहुत कुछ कर सकते लेकिन शांतमई तरीके दे नाल अपनी गल सुनवा रहे ने। ये बिल्कुल साफ है कि केंद्र दी सरकार ने जब 10 महीने तो किसानां नूं परजीवी तो आतंकवादी तो लैके सब कुछ कहता हुण आप सरकार उन्हां नूं कुट्टन च आ गई है जिन्हां दे वोटां दे वेले उन्हां दे पैरां ते डिग डिग के वोट मंग के अज अपनी कुर्सी च बैठी है। जे काले कानून छेती वापस नहीं किए गए देश दी अमन शांति नूं बहाल करन वास्ते किसानां दी सुनवाई नहीं ना हुई फिर इलेक्शन दूर नहीं। जिस तरह तुसीं कुट कुट के इन्हां दा सिर फोड़िया ए बटन नप नप के तुहानूं उत्थों रवाना भी करनगे। मैं उम्मीद करदी हां कि एक सरकारी अफसर वायलेंस करन वास्ते अपने लोकां नूं आदेश दे रहा है प्रशासन नूं जे अज भी एहो जे अफसरां दे खिलाफ ते जे हुक्म दित्ता है उन्हां दे खिलाफ जे कोई एक्शन नहीं लिता जांदा ते आप बिल्कुल साफ है कि इस देश विच हुण संविधान दा कोई मतलब नहीं रह गया एक डिक्टेटरशिप चल रही है।